होली हो और होली पे गुजिया की रेसिपी ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ गुजिया की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड कुक विद कीर्ति। तो यहाँ दो तरह की गुजिया बनाऊंगी, विदाउट मावा एंड मावा। विदाउट मावा की पहले मिक्सचर बना लेते हैं हम। इसकी फिलिंग के लिए हमने लिया घी में नट्स रोस्ट कर दिए और साथ में एक कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा बूरा। अच्छा, इसमें किशमिश नहीं डाली है, किशमिश हम बाद में ऐड करेंगे। और ये मेरा ना वैसे बहुत सारा बन गया था तो मैंने इसकी बाद में बर्फ़ी भी बनाई है, वो मैं रेसिपी भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा मिक्सचर तो रेडी हो गया। अब हम लेंगे 1.5 कटोरी मैदा और इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी करछी घी की और इसको घी को अच्छे से रब कर लेंगे इसमें, जिससे कि ये एक शेप होल्ड करने लग जाए। और फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंद लेंगे। आटे को हमने ना ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, सेमी सॉफ्ट उसमें होगा ये। और फिर इसको हम 20-25 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे थोड़ा सा घी लगा के हाथ से। और फिर आफ्टर 25 मिनट्स इसको हम रोल करेंगे और इसके हम इक्वल पार्ट्स कट कर लेंगे। और दो तरह की बनेंगी गुजिया, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स कर लिए। और इसको फिर आगे और 2 पार्ट्स में कट करके इसको अच्छे से बड़ा सा रोल कर लेंगे। मैं ना यहाँ पे एक एक करके नहीं बेल रही हूँ, मैं रोल करके कटर की हेल्प से इसको कट कर दूंगी, थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये काम। और फिर उसके बाद यहाँ से सारी कटर से जब कट हो जाएंगी, ये छोटी छोटी सी हमारी चपाती सी बन गई है, तो ये जब चपाती सी कट हो जाएंगी तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, एक एक करके उठाएंगे और फिर उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे। और फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पहले हल्का सा एक बार बेल लिया है, जिससे कि थोड़ा पतला और लंबा हो जाए। और फिर हम अपनी जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, फिलिंग रेडी करी थी, वो डाल लेंगे। और फिर इसको एक पानी के हेल्प से इसको साइड में एजेस में पानी लगा के इसको सील कर लेंगे। और फिर इसको टाइट सील करने के लिए या तो आप डिज़ाइन दे दें या फिर आप फोक की हेल्प से इसको टाइट सील कर लें। और इस तरह से हम अपनी सारी गुजिया रेडी कर लेंगे, ये देख सकते हैं मैंने कर ली है। और फिर हम इसको मीडियम हॉट ऑयल पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने ऑयल में किया है। और गोल्डन ब्राउन होने पे इसको हम निकाल लेंगे। 4 से 5 मिनट में ये हो जाएंगी गोल्डन फ्राई। इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही करें इसको। और ये हमारी गुजिया तो हो गई है रेडी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड गुजिया की तरफ, जो है मावे वाली गुजिया। यहाँ 100 ग्राम के करीब मावा मैंने लिया है, इसको हम भून लेंगे। और ये जब इकट्ठा होने लग जाए ना तो समझ लेना ये भून गया है। तो अब इसके बाद हम एक बोल में जो हमने वो ड्राई मिक्सचर बनाया था वो लेंगे 3 से 4 चम्मच, और थोड़ा सा ये जो मावा हमने रोस्ट किया है इसको लेके मिक्स कर लेंगे। और अब बाकी का आटा लेके उसको गूंद लेंगे और फिर वही कटर की हेल्प से छोटी छोटी सी कटिंग कर लेंगे रोटी सी बना के। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया उसको मिडल में रख के, यहाँ मैंने ना गुजिया वाली वो वाली शेप नहीं दी है, दूसरी शेप दी है। मैंने थोड़ा सा चंद्रकला मतलब ट्राई किया था कि चंद्रकला बना लूँ, बट वो बना नहीं। तो दूसरी रोटी लेके इसको रखेंगे और पानी की हेल्प से और फोक की हेल्प से इसको शेप टाइट सील कर देंगे। वो डिज़ाइन से भी कर सकते हैं, हम डिज़ाइन से करते तो शायद प्रॉपर चंद्रकला दिखती, बट ये दिखी नहीं। अब इसके लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी ली है और थोड़ा सा पानी, 1 कटोरी के करीब पानी लेके इसको बॉईल कर लिया है इलायची पाउडर डाल के। इधर हमने जो वो तैयार करी थी हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको साथ की साथ ही अपनी चाशनी में डिप करते जाएंगे वन एक एक करके। तो ठीक है, इसे गुजिया ही बोल देते हैं, चंद्रकला तो नहीं बनी है। और हमारी दोनों तरह की गुजिया रेडी हो गई है, मावा और विदाउट मावा। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन खाते रहिए, खिलाते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।